i10 का टायर है, देखिए रिंग लीक कर रहा है, रिंग वॉश करना पड़ेगा। नोज़ल लीक है, नया नोज़ल फिट होगा। नोज़ल फिट करने का आसान तरीका देखिए आप सब लोग कैसे नोज़ल फिट होता है। अब टायर मशीन से खुल के नया नोज़ल फिटिंग होगा, रिंग वॉश होगा, देखिए कैसे बनता है नोज़ल। देखिए मेरा लड़का टायर खोल रहा है मशीन से। भी ढीला हो गया है, अब बैक साइड का भी ढीला करना पड़ेगा। देखिए बीट कैसे ढीला होता है, सब एयर प्रेशर ढीला होता था बीट। लड़का है मेरा, पढ़ाई का साथ काम भी सीख रहा है, अपना दुकान है। अब लॉक हो जाएगा बीट। सरफ का पानी देने से खुलने में आसान होता है। देखिए आसानी से टायर खुल गया, मशीन में बहुत आसानी से टायर खुल जाता है। नोजल नया चेंज होगा, रिंग सफा करके फिट करना पड़ेगा। रिंग लीक था, देखिए टायर निकल चुका है, अब नया नोजल फिट होगा। देखिए पुराना नोजल लीक था, इसको काट के फिट होगा। देखिए पूरा कार्बन हुआ है, रिंग में कार्बन है, ये दोनों चीज़ को सफा करना पड़ेगा। ये देखिए पत्थर निकला टायर के अंदर से, यही आवाज। नया नोजल है, इसको पहले लगा लीजिए। ये देखिए नोजल फिट हो गया, देखिए ऑयल लगा रहा है, फिट करने में आसान होगा। अभी हवा देना पड़ेगा 30 पाउंड। तीस पाउंड हवा होगी। देखिए लीक बंद हो गया है, अभी कहीं लीक नहीं कर रहा है, नोजल भी लीक नहीं कर रहा है, ठीक। नया नोजल से लगाया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लीक कहीं नहीं है, लीक बंद हो गया, देखिए कंप्लीट।